हेलो फ्रेंड्स, वेलकम है आपका हमारे यूट्यूब चैनल नॉलेज विद आलोक सिंह राजपूत में। सभी केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए बहुत बड़ी खबर लेके आया हूँ। 1 अप्रैल 2019 से सरकार कर सकती है नई घोषणा। क्या ये नई घोषणा हो सकती है, आपको पूरी जानकारी दी जाएगी। बने रहिए हमारे साथ वीडियो में लास्ट तक, और अगर चैनल पर पहली बार आएँ तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब्ड के रेड बटन को प्रेस करके साथ ही साथ इस नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर लीजिए हमारे सभी लेटेस्ट नोटिफिकेशन के लिए। चलिए आपको लेके चलते हैं न्यूज़ पर। आप देख सकते हैं अब पब्लिक रेटिंग के आधार पर तय होगी अधिकारियों का प्रमोशन। पूरी न्यूज़ आपको दिखाई जाएगी। क्या क्या हाइलाइट्स हैं, पहले हाइलाइट्स देख लेते हैं उसके। जिस अधिकारी और कर्मचारियों की ग्रेडिंग बेहतर होगी उन्हें बेहतर प्रमोशन मिल सकेगा। किसी प्रोडक्ट की तरह इन कर्मचारियों की भी ग्रेडिंग करने का पूरा सिस्टम बनाया गया है। PMO के निर्देश पर डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग ने इस प्रस्ताव को मान लिया है। इसका फॉर्मेट तैयार कर लिया गया है। 1 अप्रैल 2019 से नई व्यवस्था लागू की जा सकती है। अगले साल से सरकारी अधिकारियों और कर्मचारियों के प्रमोशन में सबसे अहम भूमिका पब्लिक फीडबैक की रहेगी। जिस अधिकारी और कर्मचारियों की ग्रेडिंग बेहतर होगी उन्हें बेहतर प्रमोशन मिल सकेगा। किसी प्रोडक्ट की तरह इन कर्मचारियों की भी ग्रेडिंग करने का पूरा सिस्टम बनाया गया है। इस दिशा में पहले दिनों सरकार को एक प्रस्ताव मिला था। सूत्रों के अनुसार PMO के निर्देश पर डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग DOPT ने इस प्रस्ताव को मान लिया है और 1 अप्रैल 2019 से नई व्यवस्था लागू की जा सकती है। नई व्यवस्था के तहत सरकारी कामकाज के दौरान आम लोगों का अनुभव किस तरह होता है और वे बाबू और सरकारी कर्मचारियों को किस तरह की ग्रेडिंग देंगे, इससे पब्लिक डोमेन में रखा जाएगा। आम लोगों की ओर से मिली ग्रेडिंग इन अधिकारियों के प्रमोशन से लेकर वेतन वृद्धि तक तय करेगी। PMO के निर्देश पर इसका फॉर्मेट तैयार किया गया है। सातवें वेतन आयोग ने दिया था सुझाव। नए फॉर्मेट में अधिकारी के कामकाज को ग्रेड और अंक देने की व्यवस्था है। इसे उस अधिकारी और कर्मचारी के रिकॉर्ड में दर्ज किया जाएगा। इसका मतलब है कि अब केंद्र सरकार के दफ्तरों में 5 स्टार या 1 स्टार अधिकारी या कर्मचारी के बारे में लोग पहले ही जान सकेंगे। दरअसल सातवें वेतन आयोग में इनके कामकाज की समीक्षा को और बेहतर करने के कई सुझाव दिए गए थे। जिन मंत्रालयों और विभागों का अधिकतर वास्ता सीधे आम लोगों से पड़ता है, अब वहां प्रमोशन और बेहतर अप्रेजल के लिए 80% वजन जो है पब्लिक फीडबैक को दिया जाएगा। यानी आपने पूरी न्यूज़ देख ली है कि अब आप अगर डायरेक्टली पब्लिक फिगर में काम करते हैं, पब्लिक सेक्टर में डायरेक्ट जुड़े हुए हैं, सपोज पोस्टल डिपार्टमेंट है या फिर रेलवे डिपार्टमेंट या ऐसे बहुत सारे डिपार्टमेंट्स हैं जो डायरेक्टली पब्लिक को डील करते हैं, वहां पर आपको 1 स्टार से लेकर 5 स्टार तक आपको मार्क्स दिए जाएंगे। उसी के अकॉर्डिंग आपको आपका प्रमोशन होगा। सरकार ये 1 अप्रैल 2019 से ये लागू भी कर सकती है। उसी अकॉर्डिंग आपको कोई भी पब्लिक, कोई भी जो बाहर से आपको क्लाइंट आएगा, आपको पहले ही देख लेगा कि कितने आपको स्टार हैं, 1 स्टार या 5 स्टार, उसी के अकॉर्डिंग आपके प्रमोशन आगे आपको किया जाएगा। और पब्लिक ये सारी चीज़ें जो है पब्लिक आपको जितने भी मार्क्स देगी उसी अकॉर्डिंग होगा। 1 से लेके 5 स्टार तक के बीच में मिलेंगे और 80% जो 80% आपका जो बेहतर आपका जो है प्रमोशन और अप्रेजल होगा, 80% जो है पब्लिक फीडबैक के बेसिस पे आपको दिया जाएगा। तो वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज लाइक करके जरूर जाएगा, शेयर करिएगा सभी दोस्तों के साथ में। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।